हाइट और विड्थ में किसी कॉलम या रो की लंबाई चौड़ाई हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। हाइट का मतलब जिस रो में हमारा कर्सर है उस रो की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या एक से ज़्यादा रो में हम करना चाह रहे हैं तो एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, या फिर एक से ज़्यादा रो को हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने 3 रो सिलेक्ट कर लिए हैं और हाइट मैंने बढ़ाई या घटा दी, ठीक है। और हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर कोई आंकड़ा टाइप करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 0.01 की जगह लिख दिया है 1 और एंटर, तो अपने आप उस साइज़ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही विड्थ, विड्थ मतलब कि कॉलम की बात हो रही है कि कॉलम का की चौड़ाई कितनी होना चाहिए। तो मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और विड्थ, तो विड्थ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो कॉलम का साइज़ में बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, यानी कि कॉलम की विड्थ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।